मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या सीएम पद से बीजेपी कर देगी बेदखल, ओपी राजभर ने बता दी अंदर की बात। बीजेपी के अंदर खाने योगी के पक्ष या विपक्ष में क्या चल रहा है, अंदर की खबर को ओपी राजभर ने कर दिया लीक। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सीएम योगी के पद को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। मोदी शाह नड्डा से लेकर केशव का योगी को लेकर क्या है प्लान, सब कुछ बता दिया। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने अंदाज और हाजिर जवाबी को लेकर चर्चा में रहते हैं। ओपी राजभर के दिल में जो बात होती है उसे जुबां पर लाने में वो देर नहीं करते, बेबाकी से बोल देते हैं, फिर चाहे किसी का कद कितना भी बड़ा हो। इसी फहरिस्त में ओपी राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में न जाने और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अपनी मुलाकात को लेकर बयान दिया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की अटकलों को लेकर भी कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने चौंकाने वाला बयान दिया। सबसे पहले ओपी राजभर ने बताया सीएम योगी के बुलावे के बाद भी वो मीटिंग में क्यों शामिल नहीं हुए। ओपी राजभर ने कहा पहले से ही प्रदेश भर के जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक लखनऊ में तय थी, हॉल वगैरह सब कुछ बुक हो गया था, सारा एजेंडा तय हो चुका था। इसी बीच समीक्षा बैठक होनी थी, हमने मुख्यमंत्री जी को बात की और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने जब हरी झंडी दी तो मैं जिला पंचायत की बैठक में गया, इसीलिए मैं समीक्षा बैठक में नहीं जा पाया था, जिसकी जानकारी हमने पहले ही मुख्यमंत्री जी को दे दी थी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पर ओपी राजभर ने कहा लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात एक महज औपचारिक मुलाकात थी। उस दिन तो मेरी मुलाकात स्वतंत्र देव जी, दयाशंकर सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी हुई थी। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की अटकलों पर राजभर ने हंसकर कहा पिछले 6 सालों से ये खबरें आ रही हैं और हम सुन रहे हैं, कुछ चैनलों पर ये खबरें चलाई भी गईं, ये सिर्फ शगुफा है और कुछ नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं बदला जा रहा है और ना ही कोई किसी से नाराज है। राजभर ने बसपा और सपा पर चुटकी लेते हुए कहा ये लोग सरकार बनाने का दावा करते रहे और आज कहाँ हैं। अखिलेश यादव ने अपने सांसद को अयोध्या का राजा बता दिया, बताइए क्या उनके सांसद भगवान राम हो गए, उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया और ये बात उन्होंने सदन में बोल दी कि अवधेश प्रसाद अयोध्या नरेश हैं, ये अति उत्साह सही नहीं है। वहीं उन्होंने अपने सिंबल से जीते विधायकों को सपा के लोग वाले बताते हुए बेदी राम के सामने ही कह दिया कि ये सभी लोग सपा में थे, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं था। अखिलेश जी के नवरत्न में से एक सपा के उदयवीर सिंह ने इन सबको मेरे पास भेजा और उस समय मैं गठबंधन में था और मैंने अपना सिंबल दे दिया। ये सभी एक दो नहीं 6 लोग थे जिनमें मऊ से जेल में बंद अब्बास अंसारी भी हैं।